नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कर्मचारियों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। 18 महीने के अटके हुए डीए और एरियर पर भी लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई है। 2 लाख तक का होने जा रहा है फायदा। केंद्र के जो मोदी सरकार ने इस मसले पर अपना अंतिम फैसला ले सकती है और कर्मचारी को डीए और एरियर के भुगतान भी किया जा सकता है। डिटेल से जानने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को बजाइए ताकि हर गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशन और उससे संबंधित जितनी न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। केंद्रीय जो कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जल्द ही 18 महीने की अटके हुई महंगाई भत्ते की एरियर को लेकर खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि इसी महीने गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे पर पहले और उसके बाद कभी भी केंद्र के जो सरकार है, मोदी सरकार, वो इस मतलब अपना अंतिम फैसला ले सकती है और कर्मचारी को एक मुक्त बकाया डी और एरियर का भुगतान भी किया जा सकता है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा और सैलरी करीब 1 लाख और 2 लाख तक का फायदा होने जाए। वर्तमान में जो केंद्र सरकार और पेंशनर को 31% जो महंगाई भत्ता है वो मिल रहा था और वहीं से लगातार कर्मचारी लंबे समय से जनवरी से लेकर जुलाई तक यानी 18 महीने के भत्ते के एरियर का भी इंतजार कर रहे हैं। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी के पास पहुंचने के बाद कर्मचारी की पेंडिंग डीए एरियर का जल्द ही फैसला फरवरी से पहले हो सकता है, यानी 26 जनवरी से पहले कैबिनेट की बैठक हो सकती है और कर्मचारी को राहत भरी खबर मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लंबे समय से केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच चर्चा का दौर चल रहा है। कर्मचारियों की ओर से नेशनल काउंसिल ऑफ पॉइंट्री के जीव सिंह गोपाल मिश्रा का कहना है कि डीए का भुगतान है वो किया जाएगा। वहीं पर भारतीय जो पेंशन भोग मंच ने पीएम नरेंद्र मोदी पत्र लिखकर इसके ऊपर हस्तक्षेप करेंगे और वित्त मंत्रालय के जो संबंध में निर्देश देने की अपील भी की जाएगी। ऐसे में उम्मीद और प्रधानमंत्री जल्द ही कर्मचारी के बकाया एरियर का निपटाना कर सकते हैं और कर्मचारी के खाते के अंदर मोटी रकम आ सकती है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आई थी। तो आई होप आप लोगों को बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।